नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम भारत के भूगोल का जो दूसरा चैप्टर है, भारतीय सीमाएं एवं उनके पड़ोसी देश, इससे संबंधित जितने भी टॉप क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इससे पहले वाले वीडियो हमने भारत के भूगोल का जो पहला चैप्टर था सामान्य परिचय, उससे संबंधित जितने भी टॉप क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ा दिए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था उसे जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। ये इसलिए रिवाइज़ करेंगे ताकि हमें याद हो जाए कि हमने पहले लेक्चर में आखिर क्या पढ़ा था। तो पहले लेक्चर में हमने सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पढ़ा था कि हमारे भारत का ये जो कुल एरिया है ये कितना है। तो हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछा जाए विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है हमारे भारत का, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है हमारे भारत का क्षेत्रफल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत है ये पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत है ये पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। अगर ये पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा भारत है ये पूरे विश्व में 2रे स्थान पर है। अगर ये पूछा जाए विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या लगभग हमारे भारत में निवास करती है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जो जनसंख्या है ये केवल और केवल हमारे भारत में ही निवास करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इसका क्या नाम है, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कौल। ये कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है। अगर ये पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका क्या नाम है, तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। अगर ये पूछा जाए भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका क्या नाम है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगर ये पूछा जाए भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है गुहार मोती। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है गुहार मोती। ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। अगर ये पूछा जाए भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कीबीथू। ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगर ये पूछा जाए भारत का जो उत्तरी बिंदु है और भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है इसके बीच की दूरी कितनी है, तो भारत के उत्तर से लेकर भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसके बीच की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए भारत के पश्चिमी बिंदु से लेकर भारत के पूर्वी बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। भारत के पूर्वी बिंदु से लेकर भारत के पश्चिमी बिंदु तक के बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, तो वो है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है लद्दाख। अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है कच्छ जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला। ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है माहे जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है माहे जिला। ये कहाँ पे है, तो ये केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में है।
तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद होनी चाहिए थी, ये इसलिए आपको रिवाइज कराया गया है ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही ना, ये है भारत की स्थल सीमा। तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो पहला राज्य है गुजरात, जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगा हुआ है। दूसरा राज्य है राजस्थान। तीसरा राज्य है पंजाब। चौथा राज्य है हिमाचल प्रदेश। पांचवा राज्य है उत्तराखंड। छठा राज्य है उत्तर प्रदेश। सातवां राज्य है बिहार। आठवां राज्य है सिक्किम। नौवां राज्य है अरुणाचल प्रदेश। दसवां राज्य है नागालैंड। ग्यारहवां राज्य है मणिपुर। बारहवां राज्य है मिजोरम। तेरहवां राज्य है त्रिपुरा। चौदहवां राज्य है मेघालय। पंद्रहवां राज्य है असम। और सोलहवां राज्य है पश्चिम बंगाल। तो भारत के जो 16 राज्य हैं, ये भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 राज्य। इन 16 राज्यों के नाम भी आपको पता लग गया कि कौन कौन से राज्य भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत की स्थल सीमा के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं भारत के, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। इनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने जिले लगते हैं, तो भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के 92 जिले लगते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जा रही हैं उसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि भारत की तट सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती हैं। तो ये आपको जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, ये है भारत की तट सीमा और ये है उनके केंद्र शासित प्रदेश जो कि भारत की तट सीमा के साथ लगे हुए हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और दीप, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी और चौथा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। इनके नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला है दादर और नगर हवेली, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुदुचेरी, चौथा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर ये पूछा जाए भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि कितने राज्य भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है गोवा, चौथा राज्य है कर्नाटक, पांचवा राज्य है केरल, छठा राज्य है तमिलनाडु, सातवां राज्य है आंध्र प्रदेश, आठवां राज्य है उड़ीसा, नौवां राज्य है पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। अगर ये पूछा जाए भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ये जो कुल लंबाई है भारत की तटीय सीमा की ये कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही ना, ये है प्रायद्वीपीय भारत। भारत का वो भाग जो कि समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है ये 6,100 किलोमीटर है। तो द्वीप समूहों को मिलाकर यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत की तट सीमा की कुल लंबाई पूछा जाए कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की तट सीमा की लंबाई कितनी है ये पूछा जाए, तो 6,100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं। आपको बताना है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि भारत की तटीय सीमा के साथ भी नहीं लगते हैं और ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अगर आपसे ये पूछा जाए भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं, तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे। तो पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है झारखंड, पाँचवा राज्य है तेलंगाना। तो भारत के पांच राज्य ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। इन पांच राज्य के नाम भी आपको मालूम पड़ गया होगा, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पहला है हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड और पांचवा है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में से दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की तटरेखा के साथ भारत के कुल 9 राज्य लगते हैं और भारत की तट सीमा के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि भारत की तट सीमा के साथ लगते हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य की है। अगर ये पूछा जाए सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो वह है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की तटरेखा की जो लंबाई है ये सबसे ज़्यादा है, कितनी है? तो 1200 किलोमीटर है। गुजरात राज्य की जो 1200 किलोमीटर सीमा रेखा है ये समुद्र के साथ स्पर्श करती है। अगर ये पूछा जाए भारतीय राज्यों में से सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है, तो वो है गोवा राज्य की। गोवा राज्य की जो तटरेखा की लंबाई है ये सबसे छोटी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो त्रिपुरा है ये उत्तर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, पश्चिम से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है और दक्षिण से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं? तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने पड़ोसी देश लगते हैं। तो पहला पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, दूसरा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तीसरा पड़ोसी देश है चाइना, चौथा पड़ोसी देश है नेपाल, पांचवा पड़ोसी देश है भूटान, छठा पड़ोसी देश है बांग्लादेश और सातवा पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 पड़ोसी देश। तो भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए अफगानिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ भारत की मात्र 106 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। अगर ये पूछा जाए पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो पाकिस्तान के साथ भारत की 3,323 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। अगर ये पूछा जाए चाइना के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो चाइना के साथ भारत की 3,428 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। अगर ये पूछा जाए भूटान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। अगर ये पूछा जाए नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ भारत की 1,751 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। अगर ये पूछा जाए म्यांमार के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो म्यांमार के साथ भारत की 1,843 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। अगर ये पूछा जाए बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की 4,096 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि भारत के कौन से पड़ोसी देश के साथ भारत की कितनी सीमा रेखा लगती है, तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की 4,096 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। अगर ये पूछा जाए भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ मात्र भारत की 106 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। यहाँ पे लगती है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लगती है भारत की मात्र 106 किलोमीटर सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है,
भारत के कितने पड़ोसी देश भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि भारत के कितने पड़ोसी देश भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। तो पहला पड़ोसी देश है श्रीलंका, दूसरा पड़ोसी देश है मालदीव। तो भारत के दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो पड़ोसी देश। इनके नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, श्रीलंका और मालदीव। अगर ये पूछा जाए भारत के कितने पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और भारत की तटीय सीमा के साथ भी लगते हैं, तो भारत के तीन पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ भी लगते हैं और भारत की तटीय सीमा के साथ भी लगते हैं। इन तीनों के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, दूसरा पड़ोसी देश है बांग्लादेश और तीसरा पड़ोसी देश है म्यांमार। तो भारत के तीन पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ भी लगते हैं और भारत की तटीय सीमा के साथ भी लगते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है पंजाब। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीन राज्य। पाकिस्तान के साथ भारत के तीन राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अगर ये पूछा जाए पाकिस्तान के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो पाकिस्तान के साथ भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये भी पाकिस्तान के साथ लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो पहला राज्य है सिक्किम जो कि भूटान के साथ लगता है, दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल ये भी भूटान के साथ लगता है, तीसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश ये भी भूटान के साथ लगा है और चौथा राज्य है असम। तो भारत के कुल चार राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ लगते हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। जो मेघालय है ये भूटान के साथ नहीं लगता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम ये चार राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ लगते हैं। जो मेघालय राज्य की सीमा है ये किस देश के साथ लगती है ये पूछा जाए, तो मेघालय राज्य की जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, चीन के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो मैप में देखेंगे कि चीन के साथ भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं। तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है उत्तराखंड, तीसरा राज्य है सिक्किम, चौथा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के चार राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार राज्य। अगर आपसे ये पूछा जाए चीन के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो चीन के साथ भारत के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, उसका नाम है लद्दाख। केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख जो कि चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल जो कि बांग्लादेश के साथ लगता है, दूसरा राज्य है मेघालय और तीसरा राज्य है असम, चौथा राज्य है त्रिपुरा और पाँचवा राज्य है मिजोरम। तो भारत के पांच राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। मणिपुर राज्य की जो सीमा है ये किस देश के साथ लगती है ये पूछा जाए, तो मणिपुर राज्य की जो सीमा है ये म्यांमार के साथ लगती है। और बांग्लादेश के साथ भारत के पांच राज्य लगते हैं, मेघालय लगता है, त्रिपुरा लगता है, मिजोरम लगता है, असम लगता है और पश्चिम बंगाल लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है नागालैंड, तीसरा राज्य है मणिपुर, चौथा राज्य है मिजोरम। तो ये चार राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार की अधिकतम सीमा लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करती है।
अगर ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ भारत के 8 राज्यों की सीमा लगती है। इन 8 राज्यों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के साथ थोड़ा सा लगा हुआ है। दूसरा राज्य है उत्तराखंड, तीसरा राज्य है हरियाणा, चौथा राज्य है राजस्थान, पाँचवा राज्य है मध्य प्रदेश, छठा राज्य है छत्तीसगढ़, सातवा राज्य है झारखंड और आठवां राज्य है बिहार। तो इन 8 राज्यों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडक्लिफ रेखा के द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो बांग्लादेश था ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो जो रेडक्लिफ रेखा थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान था इसे पाकिस्तान से अलग कर दिया गया और इसे एक अलग देश बना दिया गया, बांग्लादेश। तो जो रेडक्लिफ रेखा है ये अब भारत और पाकिस्तान के बीच भी निर्धारित की गई है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी निर्धारित की गई है। तो अगर ये पूछा जाए रेडक्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच में निर्धारित की गई है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी निर्धारित की गई है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी निर्धारित की गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये पूछा जाए कि रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो सर रेडक्लिफ के द्वारा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के साथ। जो डूरंड रेखा है ये अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। अगर ये पूछा जाए डूरंड रेखा कब खींची गई थी, तो डूरंड रेखा 1886 ईस्वी में सर डूरंड के द्वारा खींची गई थी। देखिए, जब पाकिस्तान हमारे भारत से अलग नहीं हुआ था तो जो डूरंड रेखा थी ये हमारे भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित की गई थी, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान है ये हमारे भारत से अलग हो गया है, तो जो डूरंड रेखा है अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा निर्धारित की गई है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। अगर ये पूछा जाए मैकमोहन रेखा ये कब निर्धारित की गई थी, तो जो मैकमोहन रेखा है ये 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी भारत और तिब्बत के बीच में, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो तिब्बत है ये अब चीन का ही भाग है, तो जो रेडक्लिफ रेखा है ये भारत और चीन के बीच में निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य। जो पाक जलडमरू मध्य है और जो मन्नार की खाड़ी है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगर ये पूछा जाए पाक जलडमरू मध्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो पाक जलडमरू मध्य को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए पाक जल संधि के नाम से किसे जाना जाता है, तो पाक जलडमरू मध्य को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है, तो वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जो सीमा है ये नेपाल के साथ भी लगती है, चीन के साथ भी लगती है और भूटान के साथ भी लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल, भूटान और चीन। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो हम मैप में देखेंगे, तो देखिए ये है नेपाल। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है बिहार, चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल, पांचवा राज्य है सिक्किम। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 राज्य। इन 5 राज्यों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के साथ भारत की मात्र 106 किलोमीटर सीमा रेखा जो है ये स्पर्श करती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, बस इतनी सी सीमा रेखा जो है ये अफगानिस्तान के साथ लगती है भारत की। कितनी लगती है? तो 106 किलोमीटर लगती है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो है ये अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है? तो लद्दाख। लद्दाख एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।